चैप्टर नंबर 18 फुट फ्रॉम द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। इसके पहले हमने चैप्टर 17 में देखा कि रॉबिन्सन आइलैंड के आसपास में और भी डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आइलैंड के एक नाव बनाता है और वो आइलैंड को एक्सप्लोर भी करता है। और हम देखते हैं अब इसमें कि आगे वो और उसकी जो प्लानिंग थी वो क्या है और वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। चैप्टर 18 दैट इज फुट, लेट्स बिगिन। इट इज 11 ईयर्स आफ्टर माई फर्स्ट डे ऑन द आइलैंड। जब मैं इस आइलैंड पर पहली बार आया था तब से लेकर अब तक मुझे 11 साल हो चुके हैं। वन डे आई सी दैट आई डोंट हैव मच गन पाउडर। एक दिन जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास में पर्याप्त गन पाउडर नहीं है, इट स्टार्ट्स टू वरी मी। मुझे ये देखकर काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी टेंशन होती है। आई नीड गन पाउडर इफ़ आई वॉन्ट टू हंट एनिमल। अगर मुझे यहाँ पर जानवरों का शिकार करना है तो मुझे गन पाउडर की ज़रूरत है। My first goat is very old. मेरे पास में जो पहली बकरी थी वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। I want meat, but I don't have the heart to kill her. अब मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैंने उसे इतने दिनों तक पाला है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसे मारने की। One day she dies a natural death. तो एक दिन वो naturally ही मर जाती है। With less and less gunpowder, I have to find another way to How to get meat? तो मुझे और दूसरे तरीके शिकार करने के ढूंढने होंगे जिससे मुझे खाना मिल पाए। I decide to make a trap. तो मैं क्या करता हूँ, एक जाल बनाता हूँ। I am not successful at the beginning. शुरू में तो उसमें मैं सफल नहीं होता। But then I catch 3 young goats. उसके बाद में मैं एक जाल बना भी लेता हूँ और उसमें से 3 बकरियों को मैं फांस भी लेता हूँ। They are 1 male and 2 females. उसमें से 2 फीमेल हैं और 1 मेल है। I take them home with me. और मैं उनको घर पर ले आता हूँ। I keep the goat inside a small area. मेरे घर के पास में एक छोटा सा एरिया होता है, मैं उनको वहाँ रख देता हूँ। I make a fence. मैं फेंस बनाता हूँ उस एरिया के आसपास में। But the area is too small. क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है और बकरियाँ 3 हैं, सो आई मेक अ फेंस फॉर देम अराउंड अ बिगर एरिया। तो फिर मैं बड़े एरिया में उनके फेंसिंग लगाता हूँ। It takes me 3 months to build this fence. 3 महीने इसमें मुझे लग जाते हैं। But the area is very nice. लेकिन जो बनता है एरिया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। There is a lot of grass and water for them. अब उस एरिया के अंदर काफ़ी सारा पानी है और घास है उनके लिए। After some time, the young goats are very calm. कुछ समय के बाद में वो जो बकरियाँ होती हैं wild, वो काफ़ी शांत हो जाती हैं। And they behave like civilized animal. Soon they eat from my hand. और जल्दी ही वो इतनी फैमिलियर मुझसे हो जाती हैं कि वो मेरे हाथ से खाना भी खाने लगती हैं। In 2 years, I have 12 goats inside my fence. 2 सालों के अंदर मेरे फेंस में अब 12 बकरियाँ हो चुकी हैं। And in 3 years, I have more than 20 goats. और 3 सालों के अंदर वो बकरियाँ 20 से ज़्यादा हो जाती हैं। I have a lot of milk and meat thanks to this. अब मेरे पास में काफ़ी सारा मीट है खाने के लिए, पीने के लिए दूध भी है और इसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। आई एक्सपेरिमेंट अ लिटल, मैं थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एंड आफ्टर सम टाइम आई एम एबल टू मेक चीज़ एंड बटर। और कुछ समय के बाद मैं चीज़ और बटर बनाना भी सीख लेता हूँ। माई टेबल इज़ फुल नाउ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एनिमल्स अराउंड मी। मेरे आसपास में काफ़ी सारे अब जानवर हैं और मेरी टेबल खाने पीने के सामान से भरी हुई रहती है। आई हैव माई ओल्ड डॉग, गोट्स एंड माई पेरेट। मेरे पास में मेरा पुराना कुत्ता है, बकरियाँ हैं और पेरेट है। द वन थिंग विच आई स्टिल मिस इज समबडी फॉर अ कॉन्वर्सेशन। लेकिन अभी मुझे जिस चीज़ की कमी खल रही है वो है कोई इंसान जिसके साथ में मैं बात कर सकूँ, क्योंकि अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की है, काफ़ी समय बीत चुका है। वन डे आई गो टू द पार्ट ऑफ द सी वेयर द स्ट्रॉन्ग करंट इज। अब एक दिन मैं सी के उस हिस्से में जाता हूँ जहाँ पर करंट बहुत स्ट्रांग होता है। ऑन द वे देयर आई थिंक अबाउट हाउ स्ट्रेंज आई लुक। और जब मैं सी के पास में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं कितना अजीब सा दिख रहा हूँ। आई हैव अ बिग हैट, अ शॉर्ट जैकेट एंड शॉर्ट ट्राउजर। मेरे पास में एक बड़ी सी टोपी, एक शॉर्ट जैकेट और ट्राउज़र है। दे आर ऑल मेड फ्रॉम एनिमल्स स्किन। और ये सब के सब मैंने एनिमल की स्किन से बनाए हैं। आई डोंट हैव शॉक्स और शूज़। मेरे पास में ना तो मोजे हैं और ना जूते हैं। बट आई पुट सम गोट स्किन अराउंड माई फिट। लेकिन मैंने अपने फीट के मतलब अपने पैरों में बकरियों की स्किन पहनी हुई है। I have 2 belts. मेरे पास में 2 belt हैं। 1 belt इज़ फॉर द गन एंड नाइफ। एक बेल्ट मेरे बंदूक और चाकू के लिए है और जो दूसरा बेल्ट है वो गन पाउडर के लिए है।
I also carry a basket on my back and umbrella above my head. अब मैं अपनी पीठ पर एक बास्केट लेकर चलता हूँ और अम्ब्रेला अपने ऊपर रखता हूँ ताकि मैं बारिश से और धूप से बचा सकूँ अपने आप को. My beard is very long और मेरी दाढ़ी काफ़ी लंबी हो चुकी है. I see that after 11 years on the island, I don't look like an Englishman. अब 11 सालों के बाद में अब मुझे अपने आप को देखकर ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेज नहीं हूँ. I am a different person. मैं कुछ अलग इंसान हूँ. One day I am walking on the beach. I am going to check my canoe. एक दिन मैं बीच पर वॉक कर रहा हूँ और मैं अपनी नाव को देखने के लिए जा रहा हूँ कि अभी वो वहाँ पर है या फिर नहीं है. Then I see something surprising. तो फिर मुझे वहाँ पर कुछ surprising दिखाई देता है. I see a mark of a human foot on the sand. अब वहाँ मुझे रेत में किसी इंसान के पैरों के footmarks दिखाई देते हैं. I look around but I see nobody. मैं आसपास में देखता हूँ लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता. I am scared. मुझे डर लगता है. I run back to my house. मैं अपने घर पर वापस आता हूँ. I am so scared that it is difficult to sleep at night. मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि उस रात मुझे नींद नहीं आती. Then I think maybe it is all only my imagination. फिर मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये शायद मेरी कोई imagination हो. और maybe it is the mark of my own foot. और ये भी हो सकता है कि ये मेरे ही पैरों के निशान हो. And it is stupid to be scared. तो अगर ऐसा है तो ये डरना बेवकूफ़ी भरी बात है. After this thought, I feel better. I leave my house. और ये सोचने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है और मैं अपने घर को छोड़कर I go and look at the marks again. उन marks को देखने के लिए जाता हूँ जो मैंने पहले देखे थे. So that is it from this chapter number 18, that is foot. क्या हुआ स्टोरी में ये हम आगे देखेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर लो फॉर वॉचिंग मोर स्टोरी वीडियोज़ लाइक दिस और इसी नॉवल के आगे के चैप्टर्स देखने के लिए.